तो दोस्तों हम निकल चुके हैं हल्द्वानी से और हम लोग जा रहे हैं रुद्रपुर को। और अब देख सकते हैं कि मौसम कितना बेहतर है। ये गोला नदी का पुल आपको दिख रहा है। गोला नदी पे जो है यहाँ से हल्द्वानी को कटते हैं अगर आप यहाँ से जाना चाहें, लेकिन हमें आगे वाले फाटक से अंदर को घुसना है। हम देखेंगे कि यहाँ से सीधे राइट साइड में लेके हमारा शॉर्टकट हल्द्वानी का जो मंडी है वहाँ से होते हुए हम सीधे जो है हल्द्वानी वाली रोड में कनेक्ट होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे कूड़े का डंप लगा हुआ है हल्द्वानी में, ये बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है इससे। और अब हमें यहाँ से राइट साइड निकलना है, लेकिन यहाँ पे जो है शायद ट्रेन आने का वक्त हो रहा है, तो इसलिए अब हम देखेंगे आगे से निकलेंगे। हम लोग तीन पानी होते हुए निकलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। आप देखिए मौसम कितना बेहतर हो रखा है और बारिश के आने से हरियाली भी छाई हुई है, तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है हल्द्वानी में। ये देखिए डंपर लगे हुए हैं चारों ओर, गोलक में जब खनन का काम होता है अपने परचम पे होता है तो सारे डंपर काम पे लगे होते हैं। आजकल थोड़ा शायद काम कम है इसलिए सारे साइड में खड़े हुए हैं। पीछे भी देख सकते हैं आप सारे डंपर खड़े हुए हैं। ये देखिए सारे गाड़ियाँ दोनों साइड लगे हुए हैं, पीछे पूरे डंपर लगे हुए हैं। अब हम यहाँ से अंदर को निकलेंगे और हम यहाँ से निकल के कनेक्ट होंगे हल्द्वानी वाली रोड, हल्द्वानी रुद्रपुर का मेन हाईवे जो है उस पर कनेक्ट होंगे। यहाँ से भी जा सकते थे लेकिन यहाँ से थोड़ा लंबा रूट पड़ता है, इसलिए हम लोग जो है उस रूट से जाएंगे। देखिए थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो इसलिए आराम से चल रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने दिख रहा होगा आपको भी। देखिए किस प्रकार से लोडेड गाड़ियां खड़ी हैं चारों ओर। लेकिन इसके साथ ही जो जंगल का रास्ता होता है वो बहुत मज़ेदार होता है। जब हम लोग दुपहिया वाहन से सफ़र करते हैं तो बहुत मज़ा आता है हमें, जब दोनों साइड जंगल हो, बीच में बहुत ठंडा महसूस हो रहा हो और हम दुपहिया वाहन पे हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। हम ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप देखोगे ये राजस्थान वाली गाड़ी है, राजस्थान नंबर की गाड़ी है, ये हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है ना ही खुद पास ले रही है। हाँ हो सकता है आगे से ये गाड़ी पास ले ले, लेकिन जो बाहर की गाड़ियाँ होती हैं उनसे थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता ही होता है। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं ये बेल बाबा मंदिर के पास में, जय बेल बाबा की। हम देखिए बेल बाबा मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे जो है रुद्रपुर के लिए सड़क है वो बहुत बेहतरीन बनाई जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे अंधेरा हो चुका है दोनों साइड, बिल्कुल दोनों साइड घने जंगल हैं, घना जंगल है तो इसलिए अंधेरा महसूस हो रहा है हमें। और यहाँ पे डामर भी हुआ है, अभी डामरीकरण हुआ है, बहुत अच्छी सड़क बनाएगी ये तो, बहुत अच्छे मक्खन की तरह चल रही है। देखो आप स्पीड भी बढ़ चुकी है हम लोगों की। और अभी आपको आके दिखेगा कि साइड में जो है एक एक साइड को डामर करते जा रहे और दूसरे साइड से गाड़ियों का आवागमन भी होता रह रहा, तो इससे व्यवस्था बनी रहती है, चलते रहता है, काम भी चलते रहता है और डिस्टर्ब भी नहीं होता है, तो ये सही है। देखिए घना जंगल बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर में, बिग बाज़ार दिख रहा है आपको और रेडिएशन ब्लू का दृश्य आपने देखा। और ये देखो कि आपने चारों ओर देखा होगा कि बहुत हरियाली और बीच में फूल लगे हैं, तो ये जब G20 सम्मेलन हुआ था
तब सजाया गया था रुद्रपुर को बहुत बेहतर तरीके से, और उसी का नज़ारा है ये। देखो आप देख सकते हैं चारों ओर बहुत बढ़िया करके सजाया गया है। ये मेडिकल कॉलेज है यहाँ का, रुद्रपुर का मेडिकल कॉलेज है। और ये हम पहुँचने वाले हैं परशुराम चौक पे, अभी आपको दिखाऊंगा भगवान परशुराम चौक है। ये आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है लेकिन भीड़ ज़्यादा होने से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक तो कट बहुत है बीच में, कट होने से होता है कि नीचे ऊपर से गाड़ियाँ आती हैं तो फिर पास लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये आया भगवान परशुराम चौक। अब हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे और हम लोग निकलेंगे लालपुर की ओर, लालपुर किच्छा की ओर निकलेंगे हम। और निकल चुके हैं किच्छा की तरफ को और ये हम आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पे आपको BHEL का ऑफिस भी दिखेगा है ना। तो अभी आपको देखो ये हम लोग जा रहे हैं और ये आया आपका मोदी ग्राउंड के पहले का दृश्य है। अभी इसके बाद मोदी ग्राउंड आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मोदी जी की रैलियाँ उसी में होती हैं जितने बार भी मोदी जी आए हैं, तो उस ग्राउंड का नाम ही मोदी ग्राउंड रख दिया। देखो आप देखोगे बहुत ही विस्तारित रूप है ये। देखो ये मोदी ग्राउंड का, ये BHEL का जो ऑफिस है वो भी चला चुका है। इसके अलावा भी जितने, ये देखिए यहाँ पे था, इसके अलावा जितने भी कार शोरूम है, बाइक शोरूम है, या दुपहिया वाहन और चौपहिया वाहन के शोरूम यहाँ पे बहुत बहुत आयत मात्रा में है। तो किसी को गाड़ी खरीदनी हो तो इस क्षेत्र से खरीद सकता है। अब हमें यहाँ से निकलना लालपुर, तो हम लेंगे लेफ्ट, और लेफ्ट लेते ही हमें दिखेगा यहाँ पे मेडिसिटी हॉस्पिटल, रुद्रपुर का जाना माना हॉस्पिटल है। उसे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो रुद्रपुर की जो मंडी है यहाँ पे, सब्जी मंडी, वो उसका वो दिखेगा आप। और सब्जी मंडी से आगे जाने पर बिकवाड़ा का गेट दिखेगा हमें। देखो ये है। अब इससे थोड़ा आगे आगे हम लोग जाते हैं तो हमें दिखेगा चंदोला हॉस्पिटल, जो कि चंदोला हॉस्पिटल को कोविड के दौरान जो है सुरक्षित रखा था, उसमें बहुत सारे कोविड पेशेंट भी थे, तो इसीलिए तब से उसका महत्व भी बढ़ जाता है। ये आया देखिए, जितने भी स्कूल हैं, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल बोलिए, भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बोलिए, तो ये सारे स्कूल ये लालपुर साइड को ही हैं। और मेन में कोई भी स्कूल आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो भी होंगे साइड में ही होंगे। ये जहाँ मस्जिद का गेट है, और हम पहुँच चुके हैं लालपुर में। देखिए यहाँ पे भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश के बाद की जो शांति होती है वो देखने को मिल रही है। अब हमको हम यहाँ से कट लेंगे, राइट साइड को कट लेंगे हम लोग। देखिए ये कट लिया हमने,